प्राकृतिक राल एवं गोंद एक गौण वन उत्पाद है जिसका लघु एवं व्यावसायिक स्तर पर बहुत महत्व है। इसमें वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को सामान्यतः पलास, ढाक, छेवला के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। स्थानीय निवासी गोंद का उत्पादन पारंपरिक विधि द्वारा शीत ऋतु में नवंबर से फरवरी के मध्य करते हैं। गोंद निकालने के लिए सर्वप्रथम हंसिए की सहायता से वृक्ष की मृत छाल को निकाल देते हैं। तत्पश्चात तने को गोदा जाता है। गोदने के बाद हुए रेसाब को दो दिन बाद सूखने पर एकत्र कर लिया जाता है। इस तरह एक वृक्ष से 200 से 300 ग्राम गोंद प्राप्त किया जाता है जिसका बाजार में मूल्य 40 रुपए से 50 रुपए प्रति किलो है। इसे टेरोकार्पस मार्सुपियम बीजासाल नामक वृक्ष से प्राप्त होने वाले किनो गोंद के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। मध्य भारत में खेतों की मेड़ों पर सामान्यतः प्रति हेक्टेयर 5 से 8 पलास के वृक्ष पाए जाते हैं। खरीफ ऋतु में सामान्यतः उड़द, मूंग, तिल, मूंगफली, सोयाबीन तथा प्रमुख सब्जियां जैसे बैगन, टमाटर, मिर्च को पलास के साथ उगाया जाता है। इसी प्रकार रवि ऋतु में गेहूं और सरसों को उगाते हैं। अकेशिया सेनेगल को कुमट के नाम से जाना जाता है। ये सामान्यतः शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। इससे प्राप्त गोंद को वास्तविक अरबी गोंद कहते हैं। इसका प्रयोग दवाइयों, कपड़ा उद्योग, लासा, पेस्ट, पॉलिश एवं मिठाइयों में होता है। एनोगाइसिस लेटीफोलिया कटिबंधीय एवं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पतझड़ वृक्ष है। इसे सफेद धौ कहते हैं। इससे निकलने वाले रिसाव को गम घाटी कहते हैं तथा इसे दिसंबर मध्य से अप्रैल मध्य के बीच एकत्र किया जाता है। एनोगाइसिस पेंडुला को सामान्यतः करधई के नाम से जाना जाता है। ये भी गोंद उत्पादन में सक्षम है और ये मध्य भारत के वनों एवं किसानों के खेतों पर पाया जाता है। भारतीय अरबी गोंद या बबूल गोंद देशी बबूल से प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग मुद्रण, रेशम एवं सूती वस्त्रों, कागज निर्माण तथा मिठाइयों में होता है। बोसवेलिया सेरेटा को सलई के नाम से जाना जाता है। ये शुष्क एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इससे तेलीय राल प्राप्त होता है। इसका प्रयोग सांस की बीमारी, जोड़ों के दर्द
जलन तथा पेट संबंधी विकारों में किया जाता है। कुछ अन्य गोंद उत्पादक वृक्षों जैसे सफेदा, नीम, सफेद सिरस, विलायती बबूल, सफेद किकर को भी कृषि वानिकी की विभिन्न पद्धतियों में उगाया जा सकता है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी, भारतीय राल एवं गोंद अनुसंधान संस्थान रांची द्वारा संचालित परियोजना प्राकृतिक राल एवं गोंद का एक प्रमुख सहयोगी है। उपयुक्त कृषि वानिकी प्रारूपों को विकसित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली पौध जैसे कुमट, खैर, देशी बबूल, तथा पलास को केंद्र की पौधशाला में उगाया जा रहा है। गोंद एवं राल उत्पादक वृक्षों को फलदार वृक्षों जैसे बेल, नींबू, अमरूद, आंवला, करौंदा तथा वार्षिक फसलों के साथ उगाकर कृषि वानिकी प्रारूपों का विकास किया जा रहा है। कुछ वैज्ञानिक विधियों जैसे पेड़ को कम से कम क्षति पहुंचाना, गोंद उत्पादन करने वाले रसायनों का उचित प्रयोग, एकत्रीकरण का उचित समय तथा उचित तकनीकी अपनाकर अधिक से अधिक गोंद का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन किसानों के जीविकोपार्जन के लिए लाभकारी होगा।